नमस्कार, एमवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, मंदिर शब्द सुनते ही मन में देवी, भक्तों की मूर्ति और अच्छे माहौल की बातें आती है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के दौरान थाईलैंड के शहर चियांग माई में एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्रद्धालु देवी देवता नहीं बल्कि नर्क के दर्शन करने आते हैं। यहाँ भक्त किसी देवता की पूजा नहीं करते बल्कि मृत्यु के बाद अपने द्वारा किए गए पापों की जो सजा मिलती है उसके दर्शन करते हैं। मंदिर में कई मूर्तियाँ हैं जो पाप के बदले दिए जाने वाली नर्क में दी जाने वाली पीड़ाओं के बारे में दर्शाती है। इस मंदिर को सनातन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही प्रेरित माना जाता है। इस मंदिर की सभ्यता और संस्कृति पर काफी हद तक भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक से लगभग 700 किलोमीटर दूर चियांग माई शहर में लगभग 300 मंदिर हैं। लेकिन यह नर्क मंदिर अपने आप में केवल अनोखा है बल्कि पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है। वह लोगों को बताना चाहते थे कि पाप करने और पीड़ा पहुंचाने के बाद में अंत में आपको कितना दुख पहुंचता है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने नर्क की परिकल्पना करते हुए एक मंदिर बनवाया जहां लोग मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों को देख सके। यहाँ लगी हुई भयानक मूर्तियाँ न कि सिर्फ नाम से बल्कि देखने पर भी इस मंदिर के नर्क मंदिर होने का एहसास दिलवाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है बल्कि मृत्यु में किस तरह यात्रा की जाती है उसका प्रदर्शन करती है। यहाँ की हर मूर्ति नर्क की पीड़ा और कष्टों का संकेत देती है। इस मंदिर में लोग अपने पापों का परिश्रित करते हैं और अपने पापों का परिश्रित करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को अनेक नामों से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि जो भी यहाँ आकर दर्शन कर लेता है उसके पापों का परिश्रित मिल जाता है। दोस्तों, ये थी थाईलैंड में मौजूद इकलौते नर्क मंदिर की कहानी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे।